दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। चलो दोस्तों थंबनेल तो देख लिया होगा आपने, हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने सारी चीजें नीचे लिख के रखी हैं एंड उसके बारे में बताता जाऊंगा। इन्फिनिक्स नोट 7 ये स्मार्टफोन। अच्छा याद है कि जब हॉट 9 के बारे में कुछ थोड़े थोड़े रूमर्स थोड़े थोड़े लीक्स निकले थे तो फोन का बैक जो है वो लीक हुआ था। उस टाइम सब लोग बोल रहे थे कि हॉट 9 ये होने वाला है एंड उसी टाइम मैंने एक वीडियो डाला था, मैंने कहा था ये नोट 7 हो सकता है आज से नियर अबाउट नहीं भी नहीं तो 20 दिन पहले, जब नोट 7 के बारे में कुछ भी पता भी नहीं था। मैंने तभी कहा था कि नोट 7 हो सकता है और ये नोट 7 ही है एंड इसके जो इन्फिनिक्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर भी पूरा लीक आ गया है सारी चीजें कि क्या आने वाला है एंड ड्रॉइड अफ्रीका करके एक वेबसाइट है वहां पे भी सारी चीजें पता चल गई हैं कि क्या क्या चीजें आने वाली, किस प्राइस के आसपास आ सकता है। सारी चीजें मिला के मैं आपको बताने वाला हूं कि यह स्मार्टफोन क्या होने वाला है इन्फिनिक्स का नोट 7, क्योंकि इसमें दो स्मार्टफोन आने वाले हैं। अभी इन्फिनिक्स नोट 7 के बारे में तो अभी बताऊंगा मैं, इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट के बारे में मैं तब बताऊंगा जब मुझे इस पे 500 लाइक्स मिलेंगे इस वीडियो के ऊपर। अगर मुझे मिला तो मैं सोचूंगा कि ये वीडियो पसंद कर रहे हैं लोग एंड मैं उसके ऊपर बनाऊंगा। इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट भी आने वाला है, ध्यान मत क्या चीजें होने वाली हैं, सारी चीजें देखते हैं। पसंद आ लगा तो शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करना, मुझे बताना कितनी पसंद है। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। एक टीजर डाला है इन्फिनिक्स वालों ने, अब टीजर देखने के बाद ये पता चल रहा है कि स्मार्टफोन बहुत अच्छा होने वाला है एंड काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आने वाला है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ये 10,000 की प्राइस में आएगा। थोड़े से मुझे है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, 12,000 तक कंफर्म आ जाएगा क्योंकि जीएसटी भी बढ़ा है। एंड नोट 5 अगर आपको याद हो बहुत अच्छा स्मार्टफोन था जो 12,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, तो नोट सीरीज जो होती है ना इन्फिनिक्स उसका प्राइसिंग 12,000 के आसपास का है। चलो कोई बात नहीं, बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। आने वाला है ये 6.95 इंच के बड़े डिस्प्ले के साथ, लेकिन एच डी प्लस का होगा। लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे फुल एच डी प्लस का, क्योंकि नोट 5 में फुल एच डी प्लस आया था, यहाँ पे आपको एच डी प्लस दिया जा रहा है। नोट 5 के बाद नोट 7 इसलिए क्योंकि नोट 6 इंडिया में नहीं आया था, बाहर आया था बट इंडिया में नहीं आया था, नोट 7 इंडिया में आएगा ध्यान देना। तो आपको एच डी प्लस का डिस्प्ले के साथ आने वाला है जो कि पंच होल नॉच के साथ आएगा। 720x1600 का रिजोल्यूशन होगा, 19:5:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा। अच्छी चीज है गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा, कौन सा वाला होगा नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि फ्रंट और रियर दोनों साइड पे होगा क्योंकि उसका जो कैमरा मॉड्यूल है उसके ऊपर भी आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलने वाला है। चलो कोई बात नहीं, रियर साइड पे सर्कुलर हाउसिंग होगी जिसमें क्वाड कैमरास होंगे। चलिए अच्छी चीज है, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड होगा जो कि और भी अच्छी चीज है। दिखने में स्मार्टफोन कमाल का दिखेगा एंड परफॉर्मेंस तो अच्छे होने ही वाले हैं, लेकिन डिजाइन और डिस्प्ले में भी स्मार्टफोन धमाकेदार होने वाला है। दोस्तों अब आते हैं चिपसेट के ऊपर, तो पहली बार इन्फिनिक्स अच्छा काम कर रहा है। अगर ये 10,000 तक आता है चिपसेट के साथ तो मैं कहूंगा वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन्स होगा अराउंड 10,000, क्योंकि इसमें आने वाला है मीडियाटेक का हेलियो G70 का चिपसेट, अच्छा है। आपको मालूम है रियलमी C3 में आया हुआ है एंड चिपसेट कमाल का है दोस्तों, सच कह रहा हूँ। ऑक्टाकोर का है, 12 MP बेस्ड है, तो शायद बैटरी एफिशिएंसी आपको उतनी अच्छी नहीं मिले लेकिन परफॉर्मेंस आपको धमाकेदार मिलने वाला है। स्कोर की बात करोगे तो 1,92,000 के आसपास जाता है। 8 कोर्स है, 2 कोर्स 2 GHz पे क्लॉक्ड है जो कि Cortex A75 वाले कोर्स हैं, बाकी 6 कोर्स 1.7 GHz पे क्लॉक्ड हैं जो कि Cortex A55 वाले कोर्स हैं। जैसे मैंने कहा 1,90,000 के आसपास स्कोर दे देता है। XOS 6.0 जो कि डॉल्फिन का है उनका, उसमें थोड़े से ब्लोटवेयर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन देख सकते हो उस हिसाब से इन्फिनिक्स इस बार लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस की बात करोगे तो बहुत अच्छा काम किया। GPU माली G52 का है, यानी गेमिंग वेमिंग सब अच्छी तरह खेल लोगे, कितने सारे गेम्स है सब ठीक ठाक चल जाएंगे। प्राइस के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन्स होने वाला है अगर ये 10,000 के आसपास लॉन्च होता है, परफॉर्मेंस आपको धमाकेदार मिलने वाली है दोस्तों। अब बात करते हैं कैमरा की, तो 48 MP का रियर कैमरा क्वाड कैमरा का सेटअप है जिसमें आपको फ्लैश लाइट भी मिलने वाला है, अच्छी चीज है। प्राइमरी कैमरा 48 MP का होगा जो कि GM1 का सेंसर होगा, आप सोनी एक्सपेक्ट मत करो इस प्राइस में, GM1 का ही सेंसर मिलेगा, चलो अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 3 सेंसर्स तो ठीक ठाक हैं, एक मैक्रो लेंस है 2 MP का, एक 2 MP का डेप्थ सेंसर है, फालतू सा उन लोगों ने सेंसर दिया हुआ है, VGA कैमरा है जिसको लोग लो लाइट सेंसर कहते हैं, लेकिन ठीक है चलो क्वाड कैमरा इस प्राइस के हिसाब से दिया है मैं कहूंगा ओके काइंड ऑफ है। 16 MP का फ्रंट कैमरा है जो कि पंच होल के अंदर आता है एंड फोटोग्राफी आपको सारी अच्छी दे देगा। 4K नहीं मिलेगा, 1080 वाले होंगे सारे, वो के पैनोरामा HDR सब कुछ कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्लोमो भी रियर साइड से कर लोगे लेकिन वो ज्यादा स्लोमो नहीं रहेगा, 120 FPS वाला ही होगा, ज्यादा कुछ आपको खास नहीं मिलेगा, चलो कोई बात नहीं। एंड जो कुछ थोड़े मोड़े AI के आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। अब आते हैं बैटरी की तरफ, तो बड़ी बैटरी आने वाली है 5000 mAh की, अच्छी चीज है। देन उसके साथ साथ 18 वाट का फास्ट चार्जर भी होगा, यानी बड़ी बैटरी को फास्ट चार्ज भी करवाओगे, अच्छा काम किया है।
यूएसबी 2.0 का ही पोर्ट होगा तो ठीक है, लेकिन आपको एक बड़ी बैटरी अच्छी खासी मिल रही जो आराम से डेढ़ दिन चल जाएगी मॉडरेट यूजेस में। एंड उसके साथ साथ अगर बैटरी खत्म भी होती तो आपको 18 वाट का चार्जर भी मिल रहा है उसके साथ फास्ट चार्ज, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा काम किया दोस्तों। अब आते हैं सेंसर्स पे, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आने वाला है जो कि नया होगा कुछ इस बार इन्फिनिक्स के लिए। रेडमी और रियलमी तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं लेकिन ये बार इन्फिनिक्स भी कर रहा है, अच्छी चीज़ है। फेस अनलॉक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ आपको बाकी सारे सेंसर्स तो मिल जाएंगे, जायरोस्कोप, एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा होने वाला है, आपको वाइड वाइन L3 का सपोर्ट आएगा, L1 एक्सपेक्ट मत करना, लेकिन कैमरा 2 API इसमें मिल जाने वाला है तो ये ठीक अच्छी चीज़ है। बाकी सारी चीजें जो मिलती हैं सेंसर्स के मुकाबले में आपको सारी चीजें इसमें मिल जाएंगी दोस्तों। और इसके साथ साथ इसमें आने वाला है DTS का सराउंड साउंड जो कि ड्यूल स्पीकर्स के साथ आएगा, जो कि इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन के लिए मेरे सबसे अच्छी चीज है। यानी इसमें आपको ड्यूल स्पीकर्स मिलने वाले हैं, नॉर्मली फोन्स में आपको सिंगल ही मिलते हैं, रेयर किसी स्मार्टफोन में मिलता हो, इसमें ड्यूल स्पीकर्स मिलने वाले हैं जो कि DTS सराउंड साउंड के सिस्टम के साथ आने वाले हैं दोस्तों। स्लॉट डेडिकेटेड होने वाला है जिसको आप 256 GB तक बढ़ा सकते हो, यानी 2 SIM कार्ड के साथ SD कार्ड लगा लोगे कोई इशू नहीं आएगा। सिम कार्ड के साथ एसडी कार्ड लगाते हैं क्या आप लगाते हो, जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, क्योंकि मैंने आज तक कभी नहीं लगाया है एसडी कार्ड। अगर आप लगाते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आप लगाते हो कि नहीं। वेरिएंट एक ही आने वाला है, या तो 4 GB 64 GB होगा या तो 6 GB 64 GB होगा, अभी रैम पता नहीं चला है। जो भी आएगा सिर्फ एक ही वेरियंट आएगा, एंड प्राइसिंग कही जा रही है इसका 10,000 के आसपास होगा। मुझे लगता है कि GST बढ़ने के बाद, इन कुछ चीज़ों के बाद ना नोट सीरीज जो होती है 12,000 के आसपास ही लॉन्च होती है, मेरे हिसाब से शायद 12,000 के आसपास है, लेकिन 10,000 के आसपास लॉन्च कर दिया तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। अब कब लॉन्च होगा, अभी हॉट 9 लॉन्च होने वाला था 7 या 8 तारीख को, बट आपको मालूम है क्या चल रहा है, कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है, जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक तो हॉट 9 भी लॉन्च नहीं करेंगे वो लोग, वो लॉन्च करेंगे उसके बाद इसको, या तो उसके साथ लेकर आए हो तो देखने वाली बात होगी क्या करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि सब ठीक चला तो अप्रैल एंड से पहले ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा इंडिया में, देखेंगे जैसे आएगा वैसे इसके बारे में बता दूंगा। मेरे हिसाब से अगर ओवरऑल स्मार्टफोन को देखते हो ना तो बहुत अच्छा स्मार्टफोन दिया, लेकिन एक कमी रखी है। प्रॉब्लम क्या किया इसमें, आपको HD+ का डिस्प्ले दे दिया, नोट 5 में Full HD+ था, यहाँ पे HD+ आ गया, वो Full HD+ कर देते थे ना एंड 11,000 के आसपास लेकर आते थे ना, तो मेरे हिसाब से डिवाइस बहुत अच्छा होता था एंड इन्फिनिक्स की तरफ से धमाकेदार होता था दोस्तों। आपको क्या लग रहा है जरूर बताइए, कैसा लगा स्मार्टफोन, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए। और मैंने कहा है कि अगर 500 लाइक्स इसके ऊपर आए तो मैं इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट का भी वीडियो बनाने वाला हूँ जरूर, तो लाइक जरूर करना अगर पसंद आया, तो नहीं पसंद आया डिसलाइक भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। साइड में देखो वेक्टर इमेज, उस पर क्लिक करके चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नया करने, साथ तक के लिए दोस्तों।